हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। टेक्निकल सेफी 2 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लॉगर साइट की वेबसाइट को गूगल सर्च में कैसे लाएं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें, आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आए। आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं, फिर आप भी उसी तरह अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च में ला सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मेन्यू में जाइए। मेन्यू में जाने के बाद आपको क्रोम ओपन करना होगा। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपने ब्लॉगर में जाना होगा। चलिए मैं ब्लॉगर डाल देता हूँ यहाँ पर। ब्लॉगर, ये मैंने blogger.com डाल दिया और यहाँ पर ये मेरी साइट जो है ओपन हो गई है। अगर आपने साइन इन कर रखा होगा तो आपकी वेबसाइट तुरंत ओपन हो जाएगी, नहीं तो आप साइन इन कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट टेक्निकल, ये मेरी वेबसाइट सैफी ऑर्गन वेल्डिंग वर्क्स, ये मेरी वेबसाइट है। इसी को मैं गूगल सर्च में पहुंचाकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पर आने के बाद, अपनी वेबसाइट पर आने के बाद ये मेरी लिस्ट है, देखिए आप। और यहाँ पर आपको 3-2-3 लाइन दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर आने के बाद नीचे आप देखेंगे नीले रंग का जो व्यू ब्लॉग लिखा हुआ है, इस पर आपको ओके करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारी वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है, खुल चुकी है। 3 डॉट पर जाने के बाद इसे डेस्कटॉप साइड में कर लेंगे। और डेस्कटॉप साइड में करने के बाद यहाँ पर आपको इसका लिंक कॉपी करना होगा, अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करना होगा। यहाँ से आप ने ये हमने यहाँ से लिंक को कॉपी कर लिया है। ये लिंक कॉपी हो चुका है। अब क्या करना है, इस लिंक को हम बिल्कुल मोबाइल के बाहर आ जाएंगे और हम इसे इस को हम नोटबुक में या मैसेंजर में कहीं भी जाकर हम इसको कुछ समय के लिए सेव कर देते हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर हमने ये अपना जो लिंक है वेबसाइट का, यहाँ पर हमने इसको डाल दिया। और यहाँ पर हम दोबारा जो है वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें वापस जाना होगा। और वापस आने के बाद यहाँ पर मानो मेरी कैटेगरी है, मैं यहाँ पर ये वाली की मेरी कैटेगरी है, मैं इसको जो है गूगल सर्च में लाना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो यहाँ पर देख सकते हैं आँख बनी हुई है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद इसे भी आप डेस्कटॉप साइज में कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ पर आपको इसका भी लिंक कॉपी कर लेना होगा। यहाँ पर चलो मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिंक कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद अब आपको जाना होगा इस लिंक को भी आप नोटबुक में या कहीं भी आप जहाँ चाहें सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर नोटबुक में इसे सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मैं वापस गूगल क्रोम पर आ जाता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है। न्यू टैब पर ओपन करना होगा और यहाँ पर डालना होगा आपको जी गूगल गूगल सर्च कंसोल SERCH सर्च कंसोल यहाँ पर लिखा हुआ गया, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद इसे भी आप डेस्कटॉप मोड पर कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल सर्च टूल में जाना होगा, यहाँ पर स्टार्ट नो पर क्लिक करना होगा, ठीक है।
स्टार्ट नो पर क्लिक करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, थ्री डॉट थ्री लाइन दिखाई दे रही हैं, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, वो खुल जाएगा और यहाँ पर आप जाने के बाद आपको ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना होगा। ठीक है, सॉरी वो वापस चला गया, मैं इसे दोबारा कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ओहो, ऐड प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी पर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आपको ऑप्शन मिलेंगे। बेहतर यह है आप इस पर जाएं, ठीक है, URL प्रेफिक्स पर जाएं और जो हमने पहले अपनी वेबसाइट का लिंक जो कॉपी करा था, इसे हम दोबारा कॉपी करेंगे। सेलेक्ट ऑल, ये हमने कॉपी कर लिया सर, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना होगा, ठीक है। गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, अब आपको URL इंस्पेक्शन में क्लिक करना होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद अब हमने जो कैटेगरी में से जो लिंक लिया था वो हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हम गो कर देंगे, ठीक है। ये हमारी जो है एक पेज ओपन होगा, इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्स पर ओपन करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ समय मांगेगा, ये तकरीबन 2 मिनट का या 1 मिनट का समय मांगेगा, ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पूरी देखनी होगी जब भी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, और आप भी अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च में ला सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इंडेक्स हो चुकी है, यहाँ पर हमने गो इट कर दिया और अब हमें लास्ट में क्या करना होगा, टेस्ट लेवल URL पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ समय मांगेगा आपसे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए बस। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि गूगल सर्च इंजन में आप अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करा सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन में आ चुकी है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।